नई एजेंसी के फेर में फंसी कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं, यूपी डेस्क को भी दिख रहा लाचार। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के करीबी अजय मिश्रा के जेल में जाने पर उसकी कंपनी के काम बंद कर देने से राजधानी के कई विश्वविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाओं पर संकट के बादल छा गए हैं। हालात ये हैं कि विश्वविद्यालयों ने कई बार यूपी डेस्क को पत्र भेजा, लेकिन वहां से नई एजेंसी को लेकर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जनवरी में अपनी सेमेस्टर परीक्षाएं कराने की तैयारी की है, लेकिन अब तक नई एजेंसी की तैनाती नहीं हो सकी है। ऐसे समय में परीक्षा कराने में संकट दिख रहा है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने 3 बार यूपी डेस्को को पत्र भेजा, लेकिन वहां से कोई नई एजेंसी नहीं मिली। यूपी डेस्को की ओर से अब इस मामले में असमर्थता जताने पर लवी ने यूपीएलसी को पत्र भेजकर नई एजेंसी तैनात करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम व पेपर आदि की तैयारी पूरी है, मामला सिर्फ एजेंसी की तैनाती में फंसा हुआ है। नई एजेंसी की तैनाती के बाद 10 दिन का समय काम को समझने में लगेगा, इसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा बीवी को भी परीक्षा के लिए नई एजेंसी की तलाश है। विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं इसी वजह से अटकी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र के बाद यूपी डेस्को ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से ही नई एजेंसी की चयन प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि सेमेस्टर परीक्षाएं जनवरी में हो सके। इसी तरह एकेटीयू की ओर से भी टेंडर के माध्यम से नई एजेंसी का चयन परीक्षा कार्यों के लिए किया गया। यूपी डेस्को ने हमारे पत्र के जवाब में अपनी व्यस्तता का हवाला दिया है, इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन टेंडर के माध्यम से नई एजेंसी का चयन कर रहा है। जल्द इसका चयन कर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।